brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. हम लोगों के लिए नारे दे रहे हैं, ये अपने लिए नारे दे रहे हैं, यही फर्क। कब तक लिस्ट आ जाए, क्योंकि बीजेपी के हैं और कब तक लग जाए? बीजेपी का हरियाणा में कोई स्थान नहीं, हरियाणा में 10 की 10 सीट बीजेपी आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। आज रोहतक में इंडिया गठबंधन की पहली ब्लॉक की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में जो राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और राज्यसभा सांसद रहे सुशील गुप्ता, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे साथ दोनों नेता हैं। सर, जिस तरह से जो लोगों का समर्थन मिल रहा है इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, क्या लगता है कि जो मोदी सरकार बीजेपी कह रही है कि 400 पार, क्या इसको बीजेपी ने 75 पार भी कहा था हरियाणा, मगर ये बीजेपी है, ये केवल अपने लिए नारे देती है। सरकार तो 272 भी बन सकती है, वो तो एक भी कह सकते हैं भाई सरकार बनाओ हम ये काम करेंगे, मगर बीजेपी अपने लिए नारे देती है, कभी 75 पार, कभी 400 पार। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन देते हैं लोगों के लिए नारे, ये कहते हैं 400 पार, हम कहते हैं बुढ़ापा पेंशन जाएगी 6000। हम लोगों के लिए नारे दे रहे हैं, ये अपने लिए नारे दे रहे हैं, यही फर्क। अच्छा, एक और सवाल है, जो अभी कब तक लिस्ट आ जाए, क्योंकि बीजेपी के हैं और कब तक लग जाएगी? सही समय पर हमारी लिस्ट आएगी, सही समय पे आएगी, हमारा चल रहा है मंथन और सही समय पे हम लिस्ट जारी करेंगे। गुप्ता जी, जिस तरह से इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई है, क्या लगता है कि अब की बार जो है बीजेपी को हरा पाएंगे? अब की बार बीजेपी जमना पार, बीजेपी का हरियाणा में कोई स्थान नहीं, हरियाणा में 10 की 10 सीट बीजेपी आ रही है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि जो भाई जी भ्रष्टाचार हुआ है, आम आदमी पार्टी के जो शराब घोटाला हुआ है, कैसे पर ये उसको कर पाएंगे? आज तक 25 पैसे नहीं ढूंढ पाई। जिसको प्रधानमंत्री बोल रहा है, इसने 1,86,000 करोड़ का घोटाला किया, उसको सांसद भेज रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। वही कुरुक्षेत्र से क्या लगता है इस बार जीत पाएंगे? कुरुक्षेत्र से बीजेपी की जमानत जब्त होगी। ये थे सुशील गुप्ता और दीपेंद्र हुड्डा, उनका कहना था कि अब की बार इंडिया गठबंधन पूरी जो है सीटों से जीत हासिल होगी, बीजेपी को करारी हार होगी। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।